नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ बैटल शीट विद अ सर्कुलर होल इज हीटेड सवाल है द द होल गेट्स लार्जर गेट गेट स्मॉलर ऑफ सेम साइज नाउ ये है कि ये आपके एक मेटल शीट है आ, दिया नहीं हुआ है बट लेट्स से हमने इसको क्यूब हो आपने इसको आ, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मान लिया और उसके अंदर आपका एक सर्कुलर होल है सो लेट्स पुट सम समय ये मान लो इसका रेडियस आर है ये डायमेंशन लेट्स से ए है ये डायमेंशन भी है इसको रेक्टेंगल शीट हमने मान लिया यहाँ पे ये आपका स्नैरियो है राइट अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसको हमने इंक्रीज uh, किया ना सवाल ये है कि इस केस में होल uh, जो आपका ये है द होल गेट्स लार्जर स्मॉलर रिमेन्स ऑफ द सेम साइज या गेट डिफॉर्म ना एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है और चाहे तो इसको मेरी तरफ से टैटू करवा सकते हैं वो ये है कि वेन थर्मल एक्सपेंशन uh, की जब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर आपका राइज करेगा एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेज So, यहां पे कहते हैं एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजे इसका मतलब क्या है आ, अगर आपका टेम्परेचर राइज होगा मतलब आपका ए जो है जो आपकी ये लेंथ है वो इंक्रीज होएगी, बी आपका इंक्रीज होएगा और आपका रेडियस जो है होल का जो ये सर्कुलर होल बना हुआ है वो भी आपका इंक्रीज करेगा सो एवरी लीनियर डायमेंशन विल इंक्रीज सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है गेट लार्जर दैट विल बी द राइट आंसर नाव कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पे हमें तो फील ये आ रही है कि जब ये एक एक्सपेंड करेगा बी एक्सपेंड करेगा तो दिस शुड कोलेप्स नाउ इसको ऐसे देखना थर्मल एक्सपेंशन को हम समझाते हैं ऐसे कि जो आपका सॉलिड uh, स्ट्रक्चर है उसमें सारे मॉलिक्यूल्स आपके मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर ऐसे हैं अब अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस केस में उनका वाइब्रेशन जो है पहले वो ऐसे ऐसे अपनी अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे थे अब उस केस में उनको वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा जगह चाहिए तो उसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो पहले अगल बगल एक के बगल में ऐसे खड़े हुए थे अब वो सारे ऐसे खड़े हो गए तो इसका मतलब है उनका वाइब्रेशन जो ऐसे ऐसे हो गया उनको थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए अब उस ज़्यादा जगह के चक्कर में ये यहाँ पे जो आपके पार्टिकल थे वो आपके एक्सपैंड करेंगे उनको ज़्यादा जगह चाहिए और जो लोग इमेजिन करें पहले यहाँ पर सरफेस बाउंड्री बना रहे थे उन लोगों को भी अब ज़्यादा जगह चाहिए इसका मतलब ये है कि ये रेडियस भी आपका ये सर्कल भी आपका एक्सपैंड करेगा बिकॉज जो पहले ऐसे खड़े होते सर्कल बना के अब वो ऐसे खड़े हो जाएंगे तो अब उनको ज़्यादा जगह चाहिए सो एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेज इस चीज़ को ध्यान रखना सो होल विल गेट लार्जर दैट मीन्स ऑप्शन वन दैट वुड बी द राइट आंसर